नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां पर यह विश्वास देखा जाता था कि कुछ भी हो जाए वो अपने मंत्रियों, अपने सांसद और अपने विधायकों के खिलाफ कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह एकमात्र एक ऐसे सांसद दिखाई दे रहे हैं जिसके खिलाफ महिला पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठी हुई है, लेकिन उनके खिलाफ उनकी पार्टी से कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार उनका बचाव कर रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ये विश्वास लायक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब यहाँ पर फिर से हेर फेर देखा गया, एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है जिसमें से एक मंत्री को हटाया गया है, जिसमें ये देखा जाए ये मंत्री यहाँ पर किरण रिजिजू हैं, कानून मंत्री किरण रिजिजू को यहाँ से पद से हटा दिया गया है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। ये मंत्री एक ऐसे मंत्री हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। ये मंत्री ऐसे हैं जो महिला पहलवान खिलाड़ियों के बचाव में नहीं बोले हैं, बृजभूषण शरण सिंह का बचाव कर रहे हैं, राहुल गांधी पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी के गुणगान गाते रहे। लेकिन आज यहाँ पर देखा गया कि उन्हीं को यहाँ पर हटाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा ये हेर फेर देखा गया है। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटाया गया है। अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटा दिया गया है। किरण रिजिजू को अब दूसरा कार्यभार सौंप दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार के यहाँ पर जिस तरीके से किरण रिजिजू हैं तो उन्हें क्यों हटाया गया। उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो वो अपने पद पर लगातार रहते हुए सही काम कर रहे थे, कानून मंत्री थे, इसी के तहत यहाँ पर देखा जा रहा है कि कानून मंत्री के तहत यहाँ पर वो जिस तरीके से अपनी पार्टी का बचाव करते हुए देखे गए हैं यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी को तो उन्हें और इस पद पर रहते हुए काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तमाम ऐसे लोगों पर टिप्पणी की है जिसके खिलाफ उनकी ही पार्टी मुश्किलों में गिर सकती है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने किरण रिजिजू को यहाँ से ये पद से हटाते हुए दूसरा पद सौंप दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर अब किरण रिजिजू भू विज्ञान संभालते हुए नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।